हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में और आज मेरे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी जो कि एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। हेलो सर, वेलकम सर। सर ये बताइए एडिक्शन क्या होता है सर? ऐसा है कि एडिक्शन एक प्रकार की लत है। ये लत कई प्रकार के नशे हैं समाज में व्याप्त, शराब हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब नशीले पदार्थ हैं। जब कोई व्यक्ति इनको लगातार लेने लग जाता है, नहीं लेने को उसको तकलीफ होती है, तो माना जाता है कि वो एक एडिक्शन है। सर एडिक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एडिक्शन एक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए इलाज जरूरी है, लेकिन ये इलाज अलग अलग स्तर का होता है। इसमें शरीर शुद्धि की जरूरत होती है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, बुद्धि शुद्धि क्योंकि उनके पैटर्न जो सोचते हैं विचार लिखे वो बदल जाते हैं और इसके कारण से उनको उनके इंटेलिजेंस के साथ काम करना जरूरत होता है, सोच विचार के साथ इमोशन के साथ काम करना जरूरत होता है, उसको हम लोग बुद्धि शुद्धि बोलते हैं। काउंसलिंग होती है और मन प्रायोरिटी में इस नशे को, जिस नशे का वाद्य हो गया है उसको लेते रहना चाहता है और वो उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो मन शुद्धि की जरूरी है जिसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति मेडिटेशन करने लग जाता है तो उसके सोच विचार के तरीकों में बदलाव आता है और धीरे धीरे उसके अंदर एक क्योर आने लग जाता है। तो शरीर शुद्धि, बुद्धि शुद्धि और मन शुद्धि, ये तीन स्तर पे हम इलाज करते हैं और फिर इसके बाद पुनर्वास, वापस उस समाज में जाके नशे के बगैर खुश रहना व्यक्ति चालू कर दे, इसके लिए एक प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। इसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बेस्ट पॉसिबल तरीका जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, केवल दवाई गोली से काम नहीं बनेगा। ये समझना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा हो गया तो उसको बैसाखी की जरूरत है, ऐसे ही एक नशा करने वाला व्यक्ति जीवन जीने के लिए पदार्थ पर निर्भर हो गया। तो हमको अप्रोच होलिस्टिक रखना पड़ेगा, इसमें शरीर का रिकवरी भी बहुत जरूरी है, बुद्धि का रिकवरी भी बहुत जरूरी है और मन का रिकवरी भी जरूरी है। और ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति मॉरली बहुत नीचे गिर जाता है, खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है और खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद उसको कहीं खुशी मिल रही होती है, तो ऐसी खराब स्थिति में नशा व्यक्ति को डाल देता है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन भी इस ट्रीटमेंट का है जिसमें मेडिटेशन और खुद के प्रति रियलाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लंबी प्रक्रिया है। मैं कहूँगा हमारा अप्रोच जो है मेडिकेशन टू मेडिटेशन एक होलिस्टिक अप्रोच है और ये अप्रोच ट्रीटमेंट में क्योर की तरफ लेता है। सर इसमें मेडिकेशन का कितना असर रहता है सर एडिक्शन छुड़ाने में? मेडिकेशन यानी दवाई गोली से किया गया इलाज एक लिमिट है इसका। ये शुरुआती दौर में शरीर को नशे की प्रवृत्ति से निकालने के लिए बड़ा कारण है, लेकिन एक बार शरीर निकला तो शरीर के बाद हमको उसके विवेक के साथ काम करने की जरूरत है, सोच विचार के तरीके पैटर्न जो हैं उनके साथ काम करने की जरूरत है और इनमें बदलाव करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, एजुकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।